कि जैसे कुछ हंगामा होता तो वही स्टेज पे से फूल फल के अस्थिर कर देता रहता है। एक डर होता है और मैं दोबारा नेपाल के धरती पे सिर्फ इसलिए आया ताकि फिर से दोबारा कोई आर्टिस्ट यहाँ आ सके, नहीं तो नेपाल की धरती ने जितने कुछ लोगों ने इतनी बेहूदगी की थी, चार चार स्कॉर्पियो जला दिया था, उसके बाद से एक भी आर्टिस्ट यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं सोचा कि नहीं, आज मेरे वजह से ऐसा ना हो कि लोगों का मनोरंजन कोई कलाकार करने के लिए नेपाल शहर में ना गया। इसलिए मैं दोबारा आया सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए कि आपके पास हर वो कलाकार आकर आपका मनोरंजन कर सके। आपने मुझे देखा, मुझे जाना होगा, आप लोग दूर से बस फपड़ी बजा के स्वागत में ताली बजाते हुए खेसारी को विदा करिएगा, मुझे बड़ा खुशी होगी। फिर अगर आप दो चार पांच दिन बाद ही बुलाइएगा, फिर खेसारी आएगा, फिर रानी चटर्जी आएगी, फिर कोई कलाकार आएगा। लेकिन ऐसे उपद्रव होगा ना तो ये मैसेज बड़ा गलत जाता है कलाकारों के बीच में, और फिर कोई कलाकार आपके धरती पे कार्यक्रम करने बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसा आप लोग मत करिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, आपसे मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, आप सबके दिल में रहता हूँ, इसीलिए मैं दोबारा आया। नहीं तो जिस हिसाब से घटना घटी थी, एक करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान मेरा हुआ था, लेकिन वो पैसे के महत्व तो नहीं है, आपके मनोरंजन से बढ़कर वो मेरे लिए पैसा नहीं है, इसीलिए दोबारा खेसारी आ गया। ऐसा मत करिए, मैं इतना भी जिगरा वाला नहीं हूं कि दोबारा फिर दोबारा रिक्स लूंगा। अब हम माफ कर दे, हम कभी रहे तो तर लोग के प्यारे ही जी, अब ठीक बात यूट्यूब पर दे दी, हेलो खेसारिया, वही जिसे मनोरंजन करा दी किसी भी कलाकार का। जब वो आए तो उसको प्यार उतना ही दीजिए, और जब वो जाए तो उससे ज्यादा प्यार दे दीजिए कि वो दोबारा मुड़ के फिर से नेपाल की धरती पर मुझे आना है। स्वागत कर दीजिए, हर आदमी छूना चाहता है, फिर भुला नहीं लगो। सब फिल्म बनाओ तो बोलो, बहुत नेपाल में फिल्म बनाता हो, ई के रिलीज करके छोड़ दे, सनी लियोन वाला फिल्म लगता है, ये बुझाते जो तीन महीने ओहर 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 आई बड़ी आपका है, आपका है, इतना छोटा बच्चा छोड़ के कहाँ पलांटी मार रहे थे, एक और घींचे के फिर मेरे वहां कहा अरे का इससे कर लो, ये लोग के बस चले तो तीन तीन महीने में निकाल दी लो। अब एक दो गांव कार्यक्रम होगा, मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, सलीलता के साथ आप लोग भी अपने घर को जाइएगा, क्योंकि मेरा भी फ्लाइट है, मुझे भी जाना है, रानी जी का भी और मेरा सब दोनों का सेम फ्लाइट है, हम लोगों को बॉम्बे जाना है, और परसों से मेरा शूटिंग है, मुझे तैयारी भी करनी है। तो जितनी शिद्दत से आप लोगों को मैंने मनोरंजन कराया, उतना ही प्यार देकर के सरिया को भेजिएगा। ये गाना मेरा और रानी जी का, मैं पहली बार रानी जी के साथ काम किया था, उस समय मुझे कुछ आता नहीं था, उस समय रानी जी मुझे सच में कुछ नहीं आता था, ये 2014 की बात है ना, नहीं ये 2012 की बात नहीं, 12 में तो मेरी दो ही फिल्म आई थी, दिल्ली में लुढ़निया वाली और जान चले नाम, 2013 में मैं कुछ जानता नहीं था, ओबरा तहन पातर लक लक रहनी ए बना में तनी बुडी उडी बना ले लगनी, तो उस समय को उठाना उठाना होता था तो हमको दिक्कत होता था, उस समय मैं बहुत ज्यादा हैवी वेट थी, आज भी आप वैसे ही है, आज भी सब कुछ आपका कम हो गया लेकिन आपके शरीर से मांस नहीं गया, खाते पीते घर की आदमी है, रानी जी खाने में बहादुर आदमी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन एक चीज है, इतना वेट लेकर भी इनके जैसा परफॉर्मर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं हुआ,
इनके जैसा परफॉर्मर, इनके जैसा एक्ट, ये जब भी पर्दे पे आती हैं तो पर्दे को निगल जाती हैं, अपने अंदर समेट लेती हैं। ये मेरी तारीफ है, ये तारीफ ही है। आपको बुराई लग रहा है? नहीं, मैं मोटापा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, आपकी एक्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप इतना अच्छी एक्टर हैं, इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि पर्दा आपका हो जाता है, आप पर्दे की हो जाती हैं और ये पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट लेती है। थैंक यू। तो उसी समय हम लोग एक और गाना था रामदेव बाबा के लव होता है। उसमें तीन चार गाने बड़े अच्छे अच्छे थे और रानी जी का परफॉर्म तो कमाल का था। उसमें उसमें मैं साइड हीरो था, मेन लीड तो आप ही थे। नहीं, मेरे नाम तो आप ही थे। चलिए, कोई बात नहीं, नाम होने से क्या होता है, नागिन का वर्चस्व ज्यादा रहता है। आ देखा बाबा।